हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमें नीली दिखाई देती है। ये हमें नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब पानी की कमी देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम इसी वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है और पृथ्वी पर इतना पानी होने के बावजूद भी ये हमें क्यों देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये है हमारी अर्थ। अर्थ का 3/4 पोर्शन वाटर से कवर्ड है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत पानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस पूरे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के टोटल वाटर में से 96.5% जो वाटर है वो ओशन वाटर है। और आपको पता है कि ओशन वाटर काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। इसलिए फ़िलहाल तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम उसे फ़िल्टर कर सकें। लेकिन टोटल वाटर में से 2.5% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 70% फ्रेश वाटर आइस शीट्स और ग्लेशियर की फॉर्म में है, और बचा मात्र 30% फ्रेश वाटर ही ऐसा है जो कि सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, और केवल इसी वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि हमारे पास पानी तो बहुत है लेकिन यूजेबल वाटर बहुत कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पानी हमारे लिए इनफ है। हाँ, ये पानी हमारे लिए इनफ है, बल्कि मोर देन इनफ है, क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब वाटर समय के साथ साथ रिन्यू होता रहता है, मतलब नया बनता रहता है, और ये प्रोसेस होती है हाइड्रोजन साइकिल की मदद से। अब आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही पानी हमारे लिए पर्याप्त है, फिर हमें अलग अलग देशों में पानी की कमी क्यों देखने को मिलती है। और जहाँ तक कि कई सारे साइंटिस्ट ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि 2025 तक आते आते दुनिया के 2 बिलियन लोग यानी कि 20 करोड़ लोग वाटर स्कैर्सिटी से पीड़ित रहेंगे, मतलब पानी की कमी को झेलेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि अगर हम नेचर की किसी भी चीज़ को अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ग्रीड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लालच के लिए यूज़ करते हैं, तो भले ही वो रिन्यूएबल रिसोर्स ही क्यों ना हो, उसकी कमी हमें ज़रूर महसूस होती है। यही सीन वाटर के केस में है। वाटर है तो रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन फिर भी उसकी कमी देखने को मिलती है क्योंकि लोग अपने लालच के लिए उसका ओवर यूज़ करते हैं और उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में, वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है। तो वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है पानी की कमी होना, उसी को हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखते होंगे कि राजस्थान की महिलाएं अपने सिर पर कई सारे मटके रखकर काफ़ी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और राजस्थान एक ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो ये एग्जाम्पल है वाटर स्कैर्सिटी का। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान जैसी सूखी जगहों पर ही पानी की कमी देखने को मिले, बल्कि पानी की कमी हमें ऐसी जगह पर भी देखने को मिल सकती है जहाँ पर बहुत पानी हो, जैसे कि कोलकाता। कोलकाता में कभी कभी इतना पानी बरसता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। जैसे कि आप इस इमेज को देखो, इसमें जो बच्चा है वो कह रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी चारों तरफ है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो ये भी एग्जाम्पल है वाटर स्कैर्सिटी का। तो वाटर स्कैर्सिटी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलती है पानी के ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से, पानी का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करने की वजह से, और पानी के अनइक्वल तरीके से प्रेजेंट होने की वजह से। इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पानी की कमी आखिर हमें क्यों देखने को मिलती है। रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी, मतलब वाटर स्कैर्सिटी होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला रीज़न है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, मतलब लोगों की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी पानी की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, बट पानी तो लिमिटेड है,
तो ऐसे सिचुएशन में जो रिच लोग होते हैं वो उस पानी को एक्सेस कर पाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो उस पानी को ज़रूरत के लिए भी एक्सेस नहीं कर पाते। हम देखते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में तो स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं और वहीं गरीब लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। तो पहला रीज़न यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, जिस वजह से ज़्यादातर पानी अमीरों तक ही पहुँच पाता है, गरीबों को वाटर स्कैसिटी का सामना करना पड़ता है, यानी कि वाटर का अनइक्वल एक्सेस देखने को मिलता है। वाटर स्कैसिटी का दूसरा रीज़न है वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर। मतलब आप खुद सोचो कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे लोगों को उतना ही ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो किसान होते हैं वो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए वो बेल्स और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है, काफ़ी सारे ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल में काफ़ी गिरावट आई है। मतलब ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है वाटर स्कैसिटी का। थर्ड रीज़न है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाय एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर। मतलब जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं, जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ को रन कराने के लिए भी काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में पानी का यूज़ किया जाता है। और ना केवल पानी का यूज़ किया जाता है बल्कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे भी रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे जो फ्रेश वाटर होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत बुरा प्रेशर एग्जर्ट करती हैं फ्रेश वाटर के ऊपर। केवल इतना ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज़ को रन कराने के लिए जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कि फ्रेश वाटर से ही डेवलप की जाती है। इनफैक्ट इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी में से 22% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। तो इंडस्ट्रीज़ का होना भी एक मेजर रीज़न है वाटर स्कैसिटी के पीछे। चौथा रीज़न है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। मतलब अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी इलाकों में पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से शहरों में भी वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है। अब शहरों में वाटर स्कैसिटी क्यों देखने को मिलती है, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये समस्या हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिससे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ऑब्वियसली बात है कि जब शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया कि खुद के ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस लगाना शुरू कर दिया, मतलब बोरवेल वगैरह करवाना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि लोगों की कुछ हद तक पानी की ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही लोगों ने एक्सेसिव अमाउंट में ग्राउंड वाटर निकालना शुरू किया तो जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो डिक्रीज हो गया, जिससे हमें शहरों में भी वाटर स्कैसिटी देखने को मिली। हम देखते हैं ना कि कई सारे घरों में जो पानी की मोटर होती है वो बहुत जल्दी पानी छोड़ जाती है, तो ये ग्राउंड वाटर लेवल के डिक्रीज होने की वजह से ही होता है। तो अर्बनाइजेशन भी एक मेजर रीज़न है वाटर स्कैसिटी का। तो अभी तक हमने वाटर स्कैसिटी के जितने भी रीज़न डिस्कस किए वो क्वांटिटेटिव रीज़न थे, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। लेकिन अब हम जो रीज़न डिस्कस करेंगे वो क्वालिटेटिव रीज़न होंगे, मतलब पानी अवेलेबल तो होगा बट वो पीने लायक नहीं होगा। तो वाटर स्कैसिटी का पांचवा रीज़न है एरिया वेयर वाटर इज सफिशेंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब लोगों की ज़रूरत के लिए पानी कई जगहों पर सफिशेंटली अवेलेबल होता है लेकिन फिर भी वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी अवेलेबल तो है बट वो पानी बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, मतलब वो पानी पीने लायक नहीं है। अब वो पानी पीने लायक क्यों नहीं है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि घरों से और इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है उसे सीधा पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो पॉल्यूट हो जाता है। दूसरा, हम एग्रीकल्चर के लिए कई सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब लैंड से वाटर तक पहुँचती हैं तो जो वाटर होता है वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है लोगों के यूज़ के लिए। तो यहाँ तक हमने कई सारे रीजंस डिस्कस किए जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर स्कैसिटी के पीछे। चलो सारे रीजंस को एक बार समराइज करते हैं। तो पहला रीज़न है ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरा है इंटेंस एग्रीकल्चर, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथा है अर्बनाइजेशन और पाँचवा है वाटर पॉल्यूशन। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर स्कैसिटी के पीछे कौन कौन से रीज़न होते हैं। तो इस पानी की कमी को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया, मतलब एक मिशन लॉन्च किया जिसको बोला गया जल जीवन मिशन, JJM। इसे शुरू किया गया था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनहेंस ईज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल स्पेशली दूज इन रूरल एरियाज।
मतलब रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था यानी कि गोल था वो ये सुनिश्चित करना था कि हर एक ग्रामीण परिवार को पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई मिल रही है या नहीं। इस मिशन के मुताबिक हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी रेगुलर बेसिस पर मिलना चाहिए, ये इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। अब एक सवाल आता है, व्हाई डू वी नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब पानी को कंजर्व और मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम पानी को बचाएंगे नहीं और मैनेज नहीं करेंगे तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिल सकती है यानी कि बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, फूड सिक्योरिटी देखने को मिल सकती है यानी कि खाने की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम पानी को मैनेज नहीं करेंगे तो क्रॉप्स भी नहीं उग पाएंगी जिसके चलते फूड सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। तीसरा, अगर हमने पानी को कंजर्व और मैनेज नहीं किया तो जो पूरा नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिग्रेड कर जाएगा यानी कि बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर इसी तरीके से पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट होता रहा तो हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर हमने पानी को कंजर्व और मैनेज नहीं किया। इसलिए अच्छा है कि हम पानी को कंजर्व करें और मैनेज करें ताकि हम इन समस्याओं से बच पाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पानी का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम पानी को कंजर्व और मैनेज करें कैसे। हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। तो पानी को कंजर्व और मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब पानी के ऊपर या पानी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बनाना जिनकी मदद से हम पानी को स्टोर कर पाएँ और उसके फ्लो को मैनेज कर पाएँ, जैसे कि डैम बनाना, रिजर्वियर्स बनाना, कैनल्स बनाना, आर्टिफिशियल लेक बनाना, ये सभी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम केवल अभी से ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं, बल्कि इंडिया में कई साल पहले से ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए थे पानी को कंजर्व और मैनेज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में पुराने समय में यानी कि एंशियंट टाइम में कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया, तो शुरुआत में यानी कि 1st century BC में इंडिया में श्रृंगवीरपुर नाम की जगह पर, जो कि इलाहाबाद के पास स्थित है, वहाँ पर गंगा नदी के बाढ़ के पानी को चैनलाइज करने के लिए एक सफोस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, ताकि गंगा नदी के बाढ़ के पानी को चैनलाइज करके उसे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सके। जैसा कि आप इस इमेज को देख सकते हो, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था। इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर काफ़ी बड़ी स्केल में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे। इसके अलावा हमें आज के समय पर कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, बैमूर, कोल्हापुर जैसी जगहों पर भी कई सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि पहले भी सपोस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क होता था। सिमिलरली 11th century में भोपाल लेक का निर्माण कराया गया था, जो कि अपने समय की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स में से एक थी। इसके बाद 14th century में हौसखास दिल्ली के अंदर एक टैंक का निर्माण कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ताकि श्री फोर्ट एरिया में पानी की सप्लाई होती रहे। तो देखा आपने कि पुराने समय पर भी कई सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे पानी को कंजर्व और मैनेज करने के लिए। इसी तरीके से आज के समय पर भी कई सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में एक ही तरीके के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जो कि है डैम्स, कि डैम्स क्या होते हैं और ये हमारी कैसे मदद करते हैं पानी को कंजर्व और मैनेज करने में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज डैम, कि डैम क्या होता है। तो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट। मतलब डैम एक बैरियर होता है जो कि फ्लोइंग वाटर को रोकता है। इसकी मदद से हम पानी के फ्लो को दिशा दे सकते हैं और पानी के फ्लो की स्पीड को धीमा कर सकते हैं। सिंपली हम डैम की मदद से पानी के फ्लो को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। अब डैम से कुछ भी बन सकता है, रिजर्वियर भी बन सकता है, लेक भी बन सकता है, इम्पाउंडमेंट यानी कि छोटा लेक भी बन सकता है, डिपेंड करता है डैम के साइज के ऊपर। तो आया समझ में कि डैम क्या होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, मतलब डैम को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो डैम को दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मतलब किस मटेरियल से डैम बने हैं। तो मटेरियल के बेसिस पर डैम मेनली तीन प्रकार के होते हैं, पहले टिम्बर डैम्स,
जो कि केवल लकड़ियों से बने होते हैं। दूसरे होते मिशनरीज डैम्स, मतलब ऐसे डैम्स जो कि पत्थर, ईंट या कंक्रीट से बने होते हैं। और तीसरे होते एम्बाकमेंट डैम्स, जो कि एडवांस तरीके के डैम होते हैं। इसमें सॉइल, रॉक, वुड, मेटल, प्लास्टिक, मोल्ड, हर तरीके की चीज़ों का यूज़ होता है। सिमिलरली डैम्स को हाइट के बेसिस पर भी तीन टाइप में बांटा गया है। पहले है हाई हाइटेड डैम्स, जो कि बड़े डैम होते हैं, और दूसरे होते हैं मीडियम हाइटेड डैम, जो कि मीडियम साइज़ के होते हैं, और तीसरे होते हैं लो हाइटेड डैम, जो कि छोटे डैम होते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डैम, मतलब डैम के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो पुराने समय में डैम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। पहले के टाइम पर डैम्स केवल इसलिए बनाए जाते थे ताकि नदियों के पानी को और बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा सके और आगे उस पानी को इरीगेशन के लिए यूज़ किया जा सके। लेकिन आज के समय में हम डैम को कई सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम उसे इरीगेशन के लिए यूज़ तो करते ही करते हैं, साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, जहाँ तक कि डैम का यूज़ फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। और तो और डैम का यूज़ रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी किया जाता है। तो डैम का यूज़ काफ़ी सारे पर्पजेज के लिए होता है, इसलिए डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ डैम्स के एग्जाम्पल देता हूँ। सतलुज ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, मतलब डैम बनाया गया था, वो था भाकरा नांगल डैम। इसका मेन पर्पज़ था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और लोगों को इरीगेशन के लिए पानी प्रोवाइड कराना। सिमिलरली महानदी बेसिन के ऊपर भी एक डैम बनाया गया था, हीराकुंड डैम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पानी को कंजर्व करना और फ्लड को कंट्रोल करना। तो इस तरीके से इंडिया में कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए ताकि पानी को कंजर्व और मैनेज किया जा सके। डैम की इतनी सारी अच्छाइयाँ देखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो डैम होते हैं वो टेम्पल होते हैं मॉडर्न इंडिया के। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि डैम के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, डैम बनाने के पीछे इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और डैम्स का विरोध करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कई सारे लोग इनका विरोध करते हैं, इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हैं, चलिए जानते हैं। रीज़न बिहाइंड द अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो पहला रीज़न है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। मतलब पहला रीज़न ये है कि अगर हम डैम बनाते हैं तो उससे रिवर का नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है। मतलब नेचुरली जो रिवर फ्लो होकर आ रही होती है उसके ऊपर डैम बनाने की वजह से उसका नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, हमें पुअर सेडिमेंट फ्लो देखने को मिलता है और जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे रिजर्वियर के बॉटम पर इकट्ठे होने लगते हैं। इसे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये रिवर है और इस रिवर के ऊपर डैम बना हुआ है। अब जो वाटर फ्लो करेगा वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, बट जो वाटर के सेडिमेंट्स होंगे यानी कि छोटे छोटे कण होंगे, वो डैम की वजह से आगे नहीं जा पाएंगे और वो वहीं पर बॉटम पर इकट्ठे होने लगेंगे। तो जिन सेडिमेंट्स को आगे जाना चाहिए था वो डैम की वजह से रिजर्वियर के बॉटम पर इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, पुअर सेडिमेंट फ्लो देखने को मिलता है। डैम बनाने की वजह से रॉकियर स्ट्रीम बेड फॉर्म हो जाता है, यानी कि पत्थर वाली सरफेस क्रिएट हो जाती है। प्लस जो एक्वाटिक लाइफ होती है उसका हैबिटेट यानी कि जीवन भी कमजोर पड़ने लगता है। डैम बनने की वजह से एक्वाटिक फोना का यानी कि जीव जंतुओं का माइग्रेट और स्पैनिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा जब रिजर्वियर्स क्रिएट होते हैं तो आसपास के कई सारे पेड़ पौधे और जो मिट्टी होती है वो पानी में सबमर्ज हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, जिससे डीकम्पोजिशन होता है, यानी कि वे पेड़ पौधे और मिट्टी सड़ने लगती है, यानी कि खराब हो जाती है। दूसरा रीज़न है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन कॉज ऑफ मैनी सोशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तहरी डैम आंदोलन। मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या बड़े बड़े डैम जब बनते हैं तो इसके विरोध में कई सारे सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल कम्युनिटी का। मतलब जिस जगह पर डैम बनना होता है उसके आसपास के लोगों को यानी कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी को वहाँ से हटाया जाता है और वही लोग आंदोलन करते हैं, क्योंकि लोकल लोगों को अपनी लैंड और अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ता है। इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी इन लोकल कम्युनिटीज़ को डैम बनने का उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना बाकियों को मिलता है। असली फ़ायदा मिलता है बड़े बड़े किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और शहरी लोगों को।
तो देख रहे हो कि प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, मतलब इन्हें अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ रही है और बेनिफिट अमीर लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोकल लोग इसका विरोध करते हैं और आंदोलन करते हैं। तीसरा रीज़न है इरीगेशन हैज़ चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न इन मैनी रीजन फार्मर शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप। देखो डैम बनने की वजह से किसानों को आसानी से पानी मिल जाता है इरीगेशन के लिए, यही देखकर कई सारे किसान ऐसी क्रॉप्स उगाने लग गए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज़ होता है बट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि किसान वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि जो सॉइल है वो सलाइन होती जा रही है, यानी कि मिट्टी नमकीन होती जा रही है क्योंकि खेतों में ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। वही दूसरी ओर डैम बनने की वजह से सोसाइटी में सोशल गैप बढ़ रहा है रिच फार्मर्स के बीच में और पुअर फार्मर्स के बीच में। कैसे? देखो मान लो दो किसान हैं, एक किसान डैम के पास है और दूसरा डैम से दूर है। अब आप खुद सोचो किसको अच्छी वाटर सप्लाई मिलेगी, ऑब्वियसली इसको क्योंकि ये डैम के पास है। तो अच्छी वाटर सप्लाई की वजह से ये किसान ज़्यादा अच्छी क्रॉप उगा पाएगा और धीरे धीरे ये अमीर हो जाएगा। वहीं इस वाले किसान को वाटर की उतनी अच्छी सप्लाई नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये डैम से दूर है, तो ये किसान वहीं का वहीं रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं इस बात को लेकर कि पानी का बेनिफिट कुछ लोगों को मिलता है कुछ लोगों को नहीं मिलता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गुजरात में साबरमती बेसिन के किसानों ने दंगा कर दिया था इस बात को लेकर कि आसपास के शहरों में बहुत अच्छी वाटर सप्लाई मिल रही थी लेकिन इनके गाँव को बिल्कुल भी वाटर सप्लाई नहीं मिल रही थी, जबकि इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इनके गाँव में सूखा पड़ा हुआ था। तो देखा आपने कि डैम बनने की वजह से कैसे सोशल गैप बढ़ रहा है लोगों के बीच में। चौथा रीज़न है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिटार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट एंड बेनिफिट किसको मिलेगा इस बात को लेकर भी कई सारे स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, यानी कि विवाद देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट का। तो हुआ क्या कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कृष्णा रिवर पर डैम बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो पानी आता था कृष्णा रिवर का वो आना कम हो जाता है क्योंकि उस रिवर पर डैम बन गया था। इससे क्या होता है इन स्टेट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की गवर्नमेंट थी वो परेशान होकर ऑब्जेक्शन उठाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी कि पानी के लिए स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला, यानी कि विवाद देखने को मिला। तो इससे हमें पता चला कि डैम से या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। पांचवा रीज़न है मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आर फेल टू अचीव द पर्पज़ फॉर टू विच दे आर वुल्ड। मतलब जिस उद्देश्य के लिए डैम बनाए जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि डैम उसी पर्पज़ को पूरा नहीं कर पाते। देखो डैम बनाने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डैम बनाने से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में बाढ़ आने का कारण डैम ही होते हैं। कैसे? देखो मैंने आपको बताया था कि डैम बनने की वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते और वो बॉटम में इकट्ठे होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि बॉटम में बहुत सारा सेडिमेंट जमा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब थोड़ी ही ज़्यादा बारिश होती है तो डैम का पानी ओवरफ्लो कर जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो लाइन समझ में आई कि डैम जिस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि डैम उसी पर्पज़ को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। जैसे कि डैम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, बट डैम्स फ्लड को कंट्रोल करने की बजाय और ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं क्योंकि रिजर्वियर के अंदर सेडिमेंटेशन होता है, यानी कि सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉटम में। इसलिए जो बड़े बड़े डैम होते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं फ्लड को कंट्रोल करने में जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है, और बाढ़ आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, यानी कि जान माल का नुकसान होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग डैम्स का और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। तो एक बार मैं इन सारे रीजंस को समराइज करके लिख देता हूँ, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। तो ये सारे रीजंस देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि वाटर को कंजर्व और मैनेज करने के लिए डैम बनाने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट सबके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि डैम बनाने के फ़ायदे तो हैं बट नुकसान भी कई सारे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो डैम बनाने के कई सारे नुकसान होते हैं इसलिए डैम बनाने एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए डैम का एक अल्टरनेटिव है जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। मतलब पानी को कंजर्व और मैनेज करने के लिए हम डैम बनाने की बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर।
मतलब बरसात के पानी को कलेक्ट करना और उसे स्टोर करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इस पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कैसा होता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। तो काफ़ी पुराने समय से ही इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। जैसे कि ट्रेडिशनली इंडिया के हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन्स में, यानी कि पहाड़ी वाले इलाकों में, लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंस चैनल्स बनाते हैं, जिन्हें वेस्टर्न हिमालयाज में गुल्स एंड कुल्स कहा जाता है। इन्हीं चैनल्स की मदद से बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली क्या होता है, पहाड़ों वाले रीजन में पानी को इकट्ठा करने के लिए नीचे एक गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसमें जब बारिश होती है तो डाइवर्जन चैनल्स की मदद से पानी बहकर उस गड्ढे में भर जाता है और फिर उस गड्ढे के पानी को बाद में ज़रूरत पड़ने पर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसी तरीके से राजस्थान वाले रीजन में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है, जिसे कॉमनली यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो छत पर पानी आता है उसे पाइप के थ्रू स्टोर कर लिया जाता है और फिर उस पानी को ज़रूरत पड़ने पर बाद में यूज़ कर लिया जाता है। ये सिस्टम मेनली हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से बंगाल के फ्लड प्लेन एरियाज़ में, मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, इनंडेशन चैनल्स बनाते हैं फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए। मतलब जो रिवर्स होती हैं उनमें से कैनल्स बना दिए जाते हैं, जिन्हें इनंडेशन चैनल बोला जाता है। और जब रिवर का वाटर ओवरफ्लो करता है तो इन्हीं इनंडेशन चैनल्स की मदद से पानी को यूज़ कर लिया जाता है इरीगेशन के लिए। इसके बाद हमारी इंडिया के एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेनफीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, ताकि बरसात के समय पर उस मिट्टी में पानी को रोका जा सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं खादिन और जोहर्स का। इसमें क्या होता है, जो ढलान वाली जगह होती है वहाँ पर हम कुछ इस तरीके का बैरियर टाइप का बना देते हैं। इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो पानी होता है वो बैरियर की वजह से यहाँ रुक जाता है, जिससे सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। और फिर जब बारिश नहीं होती है तब इस मॉइस्चर जमीन को यूज़ कर लिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इस तरह के मेथड को खादिन बोला जाता है जैसलमेर में, और अलग अलग जगहों पर इसे जोहर्स भी बोला जाता है। इसी तरीके से सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान में, यानी कि बीकानेर, पलौड़ी एंड बैमोर रीजन में, ऑलमोस्ट हर घर में अंडरग्राउंड टंकास और टैंक्स देखने को मिलते हैं ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस तरीके के अंडरग्राउंड टंकास देखने को मिलते हैं और ये टंकास काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लगभग एक कमरे जितने साइज़ के होते हैं। इसमें क्या होता है, छत से एक पाइप कनेक्टेड रहता है और जब बारिश होती है तब पानी पाइप के थ्रू टंकास में स्टोर हो जाता है और फिर उस पानी को बाद में यूज़ कर लिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। अब हम देखते हैं कि जो ये अंडरग्राउंड टंकास बनाए जाते हैं उसमें पानी स्टोर करने के फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोरेज इन टंकास। तो देखो, टंकास का पहला फ़ायदा ये है कि टंकास जो है वो काफ़ी रिलायबल सोर्स माने जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए अदर सोर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि अदर सोर्सेज के अंदर पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, वहीं टंकास के अंदर पानी जल्दी नहीं सूखता क्योंकि टंकास ज़मीन के नीचे होते हैं और जो वाटर होता है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है। टंकास का दूसरा फ़ायदा ये है कि टंकास ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं, इसलिए ये पूरे रूम को ठंडा रखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना कि जो रेन वाटर होता है, यानी कि बरसात का पानी होता है, उसे राजस्थान में पलार पानी बोला जाता है। दोस्तों, आज के समय की अगर हम बात करें तो जो रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो इतना यूज़ नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। इसके पीछे कारण ये है कि जो इंदिरा गांधी कैनल का निर्माण कराया गया था उससे पूरे राजस्थान में अच्छी वाटर सप्लाई हो रही है, लेकिन फिर भी कई सारे घरों में अभी भी लोग टंकास का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें टैप वाटर का टेस्ट पसंद नहीं आता। अब हम एक गांव की स्टोरी पढ़ते हैं जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। गांव का नाम है गेंडाथुर, जो कि कर्नाटक का एक गांव है। वहां क्या था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उन्होंने अपनी समस्या को खुद से समझा और खुद से स्टेप लेना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे गाँव में, यानी कि लगभग 200 घरों में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खुद से इंस्टॉल कर दिया, यानी कि टंकास वगैरह बना दिए। आज के समय में इस गांव के 200 घर साल भर में 1,00,000 लीटर रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक फैक्ट है कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी कर दिया है, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको पनिश करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे लीगल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं।
ऐसा करने वाला तमिलनाडु एक पहला स्टेट है। लास्ट टॉपिक है हमारा बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो 200 साल पुराना सिस्टम है जो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम और झरने के पानी को बम्बू यानी कि बांस से बने हुए पाइप की मदद से घरों तक और खेतों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। और आप अच्छे से समझ सकते हो कि बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कैसा होता है। इस सिस्टम की मदद से एक बार में लगभग 18 से 20 लीटर पानी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ले जाया जाता है। ये पूरा सिस्टम बांस से बना हुआ होता है, इसलिए इसमें 20 से 80 पानी की बूंदें कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई नो आप वीडियोस का बहुत ज़्यादा वेट करते हो, पर डोंट वरी, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।